नमस्कार, मैं हूं तंजरी के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा शातिर बदमाश जब्बार उर्फ नईम, जिसके विरुद्ध 30 अपराध विभिन्न मामलों के दर्ज है, उसके विरुद्ध एनएससी की कार्रवाई की है और आज केंद्रीय जेल निरुद्ध किया जा रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया है कि जफार उर्फ नईम, जो कि डालगर मोहल्ला कोतवाली का शातिर अपराधी है, उसके विरुद्ध हनुमानताल, गोहलपुर, कोतवाली आदि थाना क्षेत्रों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, अवैध वसूली, जुआ, सट्टा आदि के करीब विभिन्न थाना क्षेत्रों में 30 से अधिक अपराध दर्ज है, जिसके विरुद्ध पहले जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है, किंतु जबार की हरकतों में किसी प्रकार के सुधार न होने के कारण उस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया था, जिसके बाद जबार का एनएसए का प्रकरण तैयार करके जिला दंडाधिकारी के समक्ष रखा गया। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा एनएसए के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके बाद जफार को एनएसए के प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी कर केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध किया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना हनुमानताल गोहलपुर कोतवाली क्षेत्र में लगातार गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे आरोपी जब्बार उर्फ नईम, पिता फारूक मुसलमान, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ढड़गर मोहल्ला घोड़ा नक्काश के पास, इसके विरुद्ध लगभग 30 अपराध, जिसमें लूट करना, डकैती की योजना बनाना, हत्या का प्रयास करना, अवैध शस्त्र रखना, चाकूबाजी करना, बलवा करना, मारपीट करने जैसे गंभीर अपराध घटित किए थे। इसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 3(1)(2) के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसको रासुका के अंतर्गत आज निरुद्ध किया गया है केंद्रीय जेल जबलपुर में। क्या करता है काम? इसने सब्जी की ठेकेदारी का काम करना बताया है। कार्य क्षेत्र से जबलपुर शहर के 3 प्रमुख थाने हैं, गोहलपुर, कोतवाली और हनुमानताल। इन 3 थानों में करीब 30 से ज़्यादा अपराध इसके विरुद्ध पंजीकृत हो चुके हैं। सभी अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।